नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवम। दोस्तों आज जो प्रॉपर्टी लेके आ गया हूँ बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, 3 BHK का फ्लैट होने वाला दोस्तों। द्वारका मोड़ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक फ्लैट पड़ेगा, 3 BHK का बहुत ही शानदार सा फ्लैट है। और दोस्तों इसका जो प्राइस होने वाला है काफी अफोर्डेबल, इसका प्राइस है मात्र 36.5 लाख के अंदर आपको 3 BHK फ्लैट देंगे, वो भी शानदार इंटीरियर के साथ। तो दोस्तों देरी न करते पूरा आपको फ्लैट दिखा देता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों आज के अपने फ्लैट पे हम लोग, आप लोग देख सकते हैं इसमें एक फ्लोर पे जो है 4 फ्लैट बने हुए हैं, फ्रंट में 2, बैक में 2, और यहाँ पे आपको लिफ्ट का प्रोविजन मिल जाएगा, कार पार्किंग की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी 3 BHK फ्लैट के साथ। दोस्तों चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों आ चुका हूं अपने फ्लैट के अंदर, आप देख सकते हैं कितना शानदार सा इसमें इंटीरियर रखा है। सैंपल के लिए दोस्तों सोफा रखा हुआ है और यहाँ पे टेबल रखा है, 2 पफर रखे तब भी काफी अच्छा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। पीछे आप लोग देख सकते हैं पूरा वॉल ट्रैकिंग का बढ़िया सा वर्क कर रखा है, व्हाइट कलर की इसमें थीम दे रखी है, व्हाइट एक सिंपल शॉवर इसमें रखा गया है। एसी की फिटिंग आप लोगों को पहले से मिल जाती है और दोस्तों इसके ठीक सामने आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बढ़िया सा LCD पैनल, जहाँ आपका बड़े से बड़ा TV बड़े आराम से स्टोर्ड हो जाएगा। नीचे आप लोग देखेंगे तो आपको ड्रॉर मिल जाते हैं, स्टोरेज मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एक शोकेस मिल जाता है कुछ भी अपने डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए, कुछ भी अपना डिस्प्ले करने के लिए। ऊपर आप लोग देख सकते हैं शानदार सा आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल रहा है, सैंपल में 2 फैन मिल जाते हैं शानदार से, और जो लुक है इसका काफी प्यारा लग रहा है फॉल सीलिंग का। दोस्तों बात कर लेते हैं टाइल की, टाइल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 2x4 के इसमें आपको टाइल मिल जाती है, साथ ही आप लोग देख सकते हैं डिजिटल टाइल्स मिल रही है, काफी अच्छा इसका लुक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने किचन की ओर, दोस्तों देख सकते हैं कितना शानदार इसमें किचन मिल रहा है, पूरा एल टाइप का, देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस है इसमें दोस्तों इसमें 3-4 लेडीज बड़े आराम से वर्क कर सकती है, काफी अच्छा पूरा आपको किचन मिल जाता है, ऊपर तक इसमें स्टोरेज मिल जाता है। एक बार आपको ओपन करके दिखा दोस्तों, ये देखिए नीचे भी आपको दोस्तों बास्केट वगैरह मिल जाती है, काफी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है, बढ़िया सा आपको किचन मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक नॉइस पे सिंक मिल जाती है और दोस्तों वेंटिलेशन भी यहाँ पे आपको विंडो भी मिल जाती है, प्लस आपको चिमनी तो हम लोग लगा के दे ही रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने बेडरूम्स की ओर, बेडरूम में जाने से पहले आपको दिखाता हूँ हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम आप लोग देख सकते हैं पूरा इसमें टाइलिंग कवर को रखा है, लाइटिंग कवर को रखा है, सैनिटरी आप लोग जानते हैं हम एंड में लगा के देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने बेडरूम के, दोस्तों आपको ले चलता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। दोस्तों स्वागत है आपका फर्स्ट बेडरूम में, फर्स्ट बेडरूम आप लोग देख सकते हैं इसमें भी अपना सैंपल के लिए बेड डाला गया है, पीछे बढ़िया सा आपको कोल्टिंग का वर्क मिल जाता है, दोस्तों पैनलिंग का वर्क मिल जाता है और शानदार सा आपको ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है। दोस्तों स्पेस की आजकल तो काफी अच्छा स्पेस है रूम का, देख सकते हैं आप लोग बेड रखने के बाद आपको दोनों तरफ स्पेस मिल जाता है। दोस्तों AC की फिटिंग आपको इस रूम में पहले से मिल जाती है। दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट बेडरूम, आगे बढ़ते अपने सेकेंड बेडरूम की ओर। दोस्तों स्वागत है आपका सेकंड बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम आप लोग देख सकते हैं हमने कोई इसमें सैंपल में बेड नहीं डाला हुआ है, खाली स्पेस करके आपको दिखाया है, बेड आपके यहाँ पे बड़े आराम से लग जाएगा। और दोस्तों इसमें अलमीरा जो है ना, इसमें ये कह सकते हैं महाराजा स्टाइल में आपको इसमें अलमीरा मिल जाती है, इतनी स्पेस आपको मिल जाता है, डबल डोर के साथ आपको बड़ी अलमीरा मिल रही है। तो ये देखिए बहुत अच्छा स्पेस है इसका, काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, लाइटिंग मिल जाती है शानदार सा, आपको ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है उसको, और बहुत ही बढ़िया सा फॉल सीलिंग का डिजाइन है। दोस्तों इस रूम की लुक को काफी बढ़ा रहा है, काफी अच्छा लग रहा है इससे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वेंटिलेशन का, आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको विंडो वगैरह मिल जाती है और यहाँ पे आपको स्टोरेज दे दी है, आप चाहो तो इसको एज ए स्टेंडेबल भी यूज कर सकते हो। इसके ठीक साथ दोस्तों आपको मिल जाता है एक अटैच वॉशरूम, वॉशरूम के अंदर पूरा टाइलिंग कवर को रखा है, लाइटिंग कवर को रखा है और काफी अच्छा स्पेस है अटैच वॉशरूम का भी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड बेडरूम की ओर, लास्ट बेडरूम की ओर जो कि बालकनी से अटैच है। दोस्तों स्वागत है आपका थर्ड बेडरूम के अंदर, थर्ड बेडरूम आप लोग देख सकते हैं इसमें भी सैंपल के लिए बेड डाला गया है, पीछे बढ़िया सा आपको कोल्टिंग का वर्क मिल जाता है, यू शेप में पूरी आपको इसमें अलमीरा मिल जाती है, एक तरफ आपको सिंगल डोर, इस तरफ आपको डबल डोर आपको इसमें अलमीरा मिल जाती है। दोस्तों देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है इसके अंदर, ऊपर ही दोस्तों पूरा आपको स्टोरेज मिल जाता है, लाइटिंग मिल जाती है, फॉल सीलिंग का बहुत ही शानदार सा डिजाइन मिल जाता है। दोस्तों वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे बढ़िया आपको विंडो मिल जाती है। दोस्तों यहीं से अटैच आपको बालकनी मिल रही है, दोस्तों देख सकते हैं ये इसका बालकनी रहेगा, बालकनी के अंदर आप लोग देख सकते हैं पूरा टाइलिंग का वर्क हो रखा है। दोस्तों यहाँ पे आपको शॉकिंग मिल जाता है, अपना वॉशिंग मशीन एक्सेस करने के लिए आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, कुछ भी अपना यूज कर सकते हैं, स्टील की और ग्लास की आपको रेलिंग मिल जाती है इसके अंदर। दोस्तों ये था मेरा 3 BHK का बहुत ही शानदार सा फ्लैट द्वारका मोड़ के पास, इसका प्राइस आपको डिस्कलोज कर ही चुका हूँ दोस्तों, मात्र 36.5 लाख के अंदर आपको ये फ्लैट मिलेगा। किसी कोई भी डिटेल जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलता आप लोगों से एक नए फ्लैट के साथ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।